देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैम, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे ट्रेजरी बेंच के साथ ही हंगामा कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मैम, वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए, नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी दो समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पर समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि एक मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा, वायदों से ज्यादा इनके नारों पे बात करूंगा। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल डीजल गैस ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, आटा चावल दूध दही पनीर छाछ सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मैम मैम, ये सरकार झूठ की सरकार है, ये सरकार